Hey guys, welcome back to my channel and praise Lord for this beautiful day. पता है क्या? हम सबको पता है कि खुद को अगर तकलीफ होती है ना तो हम फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन अगर हम जिनसे प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन या फ्रेंड्स, उनमें से किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है और हमें पता होता है कि उनको वो प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए ना हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम उनकी हेल्प करें तो कैसे करें। तो बस ये वीडियो आज उसी के बारे में है। चीज जो हमें अपने नियर और डियर वंस के नेचर में देखनी होती है वो ये होता है कि उनके नेचर में चेंज। हाँ जी, अगर वो बंदा बहुत काम रहता है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है और उसको अचानक से हर छोटी छोटी बात पे जो आप करते हो उसमें गुस्सा आने लगता है, अपने आप को वो अकेला रखने लगते हैं, मतलब ये कि दोस्त उनको ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पता है क्या, जब हम किसी मेंटल स्ट्रेस के थ्रू या किसी भी स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे होते हैं ना, सबसे पहला रिएक्शन हमारा ये होता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, जब आपके नियर और डियर वंस गुस्सा होना, तो उनको गुस्सा होने दीजिए, उसको अपने ऊपर मत लगाइए या उसको अपने दिल पे मत लीजिए। ये आप सबसे पहली चीज कर सकते हो उनके लिए। और ये दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी इंसान जब किसी भी परेशानी के थ्रू जा रहा होता है ना, उसको सिर्फ एक बंदा चाहिए होता है जो उसको आके बोले कि यार मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस इतनी छोटी छोटी चीजें बोलनी होती हैं, बिल्कुल जरा जरा सी ये बातें हैं, कहने को तो ये बहुत छोटी बातें हैं और कहने को तो ये होता है ना, हम सोचते हैं यार सामने वाले को पता है ना मैं उसके लिए हूं, समझ जाएगा यार। नहीं यार, कभी कभार ना हमें सामने वाले के मुंह से सुनना पड़ता है उस चीज को रियलाइज करने के लिए जब हम उस डिफिकल्ट सिचुएशन के थ्रू जा रहे होते हैं। तो यार, अगर आपका दोस्त या आपका वो भाई या बहन प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा है और आपको पता है, तो आज जाओ उनके पास, बैठो आराम से और उनको बोलो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम पे भरोसा रखता हूँ। और ये कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ से निकलने में हेल्प करेगी। तीसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जब मैं परेशान होती हूँ, जो मुझे चाहिए होती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको चाहिए होती है, वो ये कि जब भी कोई बंदा परेशान हो रहा होता है ना, तो हमें ना 50 तरह की दुनिया की राय की जरूरत नहीं होती। हमें ये नहीं चाहिए होता है कि उसको ठीक कैसे करें, हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। हमें चाहिए होता है कि उस समय कोई बैठ के हमारी बातें सुने। हाँ, लिसन टू देम। ये आप सबसे बड़ी चीज कर सकते हो किसी को भी हेल्प करने के लिए। ये मेरे साथ हुआ है, जब मैं परेशान होती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए होता है जो मुझे बोले कि उस चीज से निकलना कैसे है, मुझे बस चाहिए होता है कोई बैठे और मेरी बात सुने। चौथी चीज, अगर आप कर सकते हो तो जाके उस बंदे को एक टाइट सा हक दो। हग नहीं दे सकते तो कम से कम हाथ पकड़ के बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जो ये फिजिकल टच होता है ना, ये मुन्ना भाई में सिर्फ ऐसे नहीं बोला गया जादू की झप्पी, ये एक्चुअली जादू का काम करती है। जब कोई भी इंसान स्ट्रेस या परेशानी के थ्रू गुजर रहा होता है, तो उसको चाहिए होता है कि कोई एक जना उसको ये बताए कि वो कितना ज़्यादा लव्ड है उसके लाइफ में, दूसरे की लाइफ में, किसी एक जने के लाइफ में भी अगर उसको लगता है ना कि वो स्पेशल प्लेस रखता है, तो फिर बस उतना काफी होता है उसको उस स्ट्रेस से निकलने के लिए। तो जाओ दोस्त, अपने दोस्त को एक जादू की झप्पी दे दो अगर उसको जरूरत है तो। लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, पहली बात, मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस या मुझे जो फील होता है उसके थ्रू जो मुझे समझ में आता है लाइफ को लेके, और ना तो मेरी इतनी ज्यादा कोई उम्र है कि मैं आपको लाइफ के लेक्चर्स दूं या आपको वो लाइफ का ज्ञान दूं। बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी लाइफ में जो जो चीजें काम करी हैं वो आपके अगर हेल्प हो सके या आपके काम आ सके तो बहुत अच्छा। और दोस्त, हमें हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए जो हम भूल जाते हैं कि जब तक जिंदगी है तब तक जिंदगी से लड़ना भी है। क्योंकि अगर जिंदगी और जिंदगी से लड़ना नहीं होगा तो सब कुछ बहुत बोरिंग हो जाएगा और फिर हम में और मुर्दों में कुछ खास फर्क नहीं होगा। तो जब भी परेशानी आए उससे लड़ो, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे आपके नियर और डियर फ्रेंड्स के लिए हो, उनसे लड़ो यार। और
बस इंजॉय करो अपनी लाइफ, ये देखो कि आप कैसे उस चीज से निकल सकते हो, है ना। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मैं दुआ करूंगी कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनके या उनके फैमिली या उनके फ्रेंड्स के लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जल्द से जल्द भगवान खुदा दूर कर दे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर मेरे चैनल के पार्ट नहीं बने हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, मुझे अच्छा लगेगा। तो तब तक अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी बातें लेकर जो मुझे हेल्प करी और शायद कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प करे। अगर आपको हेल्प करते ही ये बातें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।